हेलो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये मिशन कोशिश के तहत कक्षा 7 विषय विज्ञान की वर्कशीट है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे अभी, एक्टिविटीज़ नंबर 3। इससे पहले कि एक्टिविटीज़ फर्स्ट और सेकंड को मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग उसे भली भांति सीख चुके होंगे। आज जो एक्टिविटीज़ नंबर 3 है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, और इसके अंतर्गत जो प्रतिफल है हमारे सीखने सिखाने के वो हमें प्राप्त करना है। देखिए आइए पढ़ते से, ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन, ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल वुड। नाउ राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स फ्रॉम यूअर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जानते ही से समझने की कोशिश करते ही से ये क्या कह रहे हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा एवं ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है सुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा। वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा एवं ऊष्मा का प्रवाहन नहीं होता सुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी। अपने आसपास के वातावरण में 4 सुचालक एवं 4 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। ये एक्टिविटीज़ नंबर 3 में आप लोगों ने करना है। हाउ कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए कलर चेंज करते हैं, मिटाते इसे। कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स होता है सुचालक। किसका सुचालक? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक। सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, ये कंडक्टर कहलाते हैं। कौन कौन होते हैं कंडक्टर? उस कंडक्टर के हम उदाहरण देंगे, जैसे ऑल मेटल, सारे धातुएं होते हैं अधिकांश हमारे, सभी क्या होते हैं, वो अच्छे सुचालक होते हैं ऊष्मा और विद्युत के। इनमें है कुछ बता दें, जैसे कॉपर हो गया, तांबा, तांबा जिसको हम इंग्लिश में लिखें कॉपर, COPPER, कॉपर हो गया। हटाते हैं इसे। आयरन यहाँ ऑल्सो ऑलरेडी दे रखा है। गोल्ड, GOLD, गोल्ड। गोल्ड मतलब होता है सोना, ये सोना नींद वाला सोना नहीं, मेटल धातु वाला सोना। हटाते हैं अगला कुछ, सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी। और क्या क्या हुआ आपके आसपास सराउंडिंग एरिया में, कौन कौन से धातुएं पाई जाती हैं आप लोग और लिखेंगे। दूसरे इसमें कंडक्टर, कंडक्टर हो गया इंसुलेटर, सॉरी। ओहो अब जानते हैं हम इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर क्या होते हैं भाई? इंसुलेटर, इंसुलेटर को बोलते हैं कुचालक, कुचालक।
मिटाते हैं, इसे सुचालक किसे कहेंगे? सुचालक पदार्थ वही पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, समझ, जिसमें जैसे हमारी लाइट आती है तारों से तो उनमें करंट नहीं लगता है कुचालक पदार्थों में। कौन कौन से हैं वो कुचालक पदार्थ, इसकी हम जानकारी लेते हैं। कुचालक हो गए, कौन कौन से हुए कुचालक पदार्थ, हम लिख सकते हैं पहले पे हवा, एयर भाई, ए आई आर, एयर। दूसरा लिख सकते हैं इसमें वुड, लकड़ी, मिटाते हैं, समझ रहे होंगे आप लोग। कुचालक पदार्थ जिनमें सीधे सीधे कह सकते हैं विद्युत धारा या करंट नहीं लगता है जिनसे हमको, वो हुए इंसुलेटर, चीनी मिट्टी, ग्लास, शीशा, मिटाते हैं। अगला होता है प्लास्टिक, प्लास्टिक के जितने भी सामान होते हैं हमारे, वो सारे क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, कौन, प्लास्टिक से बने जितने भी सामग्री होते हैं। क्लियर हो गया? तो कुचालक कौन कौन हुए, नंबर एक हो गया एयर, ऑयल, ऑयल भी हमारा क्या होता है भाई, तेल कुचालक होता है। तो कुचालक बहुत सारे पदार्थ हो गए, जिसमें कौन कौन से हुए, रबर भाई, एक रबर भी होता है, रबर जानते हैं रबर को आप लोग सभी लोग, तो रबर, तो ये उदाहरण आपने यहाँ लिखने हैं, इसने मैंने बताया कंडक्टर के यहाँ लिखने हैं। कंडक्टर को कौन कौन हुए, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, प्लेटिनम, सी वाटर, ये सारे क्या हो, लेमन वाटर, लेमन जूस, ये हमारे कंडक्टर हुए। और इंसुलेटर में लिखेंगे हम क्या क्या लिखेंगे, कुचालक में एयर हवा हो गई, ऑयल तेल हो गया, वुड हो गया लकड़ी, ग्लास, और क्या क्या हुए, रबड़ हुआ, प्लास्टिक, ये सारे क्या हो गए, इंसुलेटर। इसी के साथ वर्कशीट के तहत एक्टिविटीज़ थर्ड की कार्रवाई गतिविधि यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोग भली भांति इसे समझ चुके होंगे। अब आपने जो स्क्रीन पे ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है और उसे ग्रुप में शेयर करना है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय प्यारे बच्चों, फिर कल एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।